गाइज वेलकम बैक, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं एक एक महीना कहाँ गायब हो जाती हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं कुछ दूसरी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं कर पाती हूँ, बट डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि अब से रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे मेरे पास कुछ वीडियोस में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक क्लब वीडियोस क्वेश्चन आंसर का भी बना दूँ आप लोगों के लिए। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ वीडियोस से रिलेटेड, तो वो मैं जरूर बना दूंगी। एंड आज है 12th अप्रैल और आज है ऋत्विक का बर्थडे, तो वो 5 साल का हो गया, 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं आज। तो मैं छोटा सा ऐसे ही सेलिब्रेशन कर रहे हैं घर में, कोई बड़ी पार्टी नहीं कर रहे हैं। एंड ड्यू टू कोविड हम बाहर भी कहीं नहीं जा रहे हैं, तो बस छोटा सा घर में ही सेलिब्रेट करेंगे थोड़ा सा, जिससे वो खुश हो जाए, उसे अच्छा लगे, तो बस इसीलिए। एंड क्या है कि कोई ज़्यादा लोगों को भी नहीं बुलाया है हमने, बस ऋत्विक की मौसी है, नानी है, और वही लोग मतलब आ रहे हैं, अदरवाइज कोई और तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते कि ज़्यादा लोगों को बुलाना। बस तो ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर देती हूँ। एंड मेरे लिए एक मेमोरी हो जाएगी ये कि मैं बाद में देखूंगी या ऋत्विक बड़ा होकर देखेगा कि हाँ मेरा बर्थडे इस तरह से हमने सेलिब्रेट किया था। और क्या है ना कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है ना। 5 ईयर्स का हो गया, 5 साल मुझे पता भी नहीं चले कैसे निकल गए। एक टाइम था 5 साल पहले मैं डॉक्टर के चक्कर लगाया करती थी, एक्चुअली मुझे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही थी एंड बहुत मतलब, एंड मैंने कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह लिए जिसके बाद मैंने कंसीव किया। बहुत सारी चीज़ें थी उस टाइम पे, अचानक से मैंने कंसीव कर लिया, सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया, ऋत्विक हो गया, मतलब जल्दी जल्दी नहीं हुआ, तो 9 मंथ्स में ही था। मतलब फिर चीज़ें होती चली गई, फिर 1 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 5 साल कैसे निकल गए बिल्कुल पता नहीं चले मुझे। एंड जो कंसीव वाला मैं आपको बता रही हूँ ना कैसे किया, इसमें मैं एक अलग से वीडियो बताऊँगी, अगर आप जानना चाहते हो स्टोरी, या आप जानना चाहते हो कि मैंने क्या ट्रीटमेंट लिए, क्या चीज़ें करी जिससे मैंने कंसीव किया, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर आप चाहते हो उस पर एक वीडियो, तो मैं बना दूंगी। सो या अभी के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज का व्लॉग। चलो अभी मैं ना वॉइस ओवर करूंगी, बीच बीच में बात कर पाई तो बात कर लूंगी, लेकिन मैं वॉइस ओवर करूंगी अभी इस वीडियो में। सो या चलो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ डेकोरेशन कैसी करी है। Here is our birthday boy. कितने साल के हो गए आप? 5 years. 5 years के हो गए। एंड ऋत्विक ने पूरा थीम जो रखा है ना, वो आज स्पाइडर मैन का रखा था, उसको स्पाइडर मैन की ड्रेस पहननी थी, स्पाइडर मैन का ही उसको बैकग्राउंड चाहिए था, सब कुछ स्पाइडर मैन का, तो ऋत्विक पूरा स्पाइडर मैन के लुक में ही है आज। और ये डेकोरेशन मैं आपको दिखाती हूँ, ये पीछे बस थोड़ा सा ना विंडो पे ऐसे मैंने थोड़ा सा कर दिया, मैंने और विमल ने, मैं और विमल डेकोरेशन के मामले में ना बिल्कुल जीरो है, हम दोनों से ही नहीं होती, तो बस जितना हमें ठीक लगा हमने उतना कर दिया, हम ज़्यादा करना भी नहीं चाहते थे, बट ऋत्विक को बहुत पसंद आया। एंड अभी केक वेक काटेंगे तब उसके बाद दिखाऊंगी कैसा लग रहा है ना। वापस तो आओ, काटने के बाद सबको केक सर्व किया। ऋत्विक से तो वेट ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, जल्दी दो जल्दी दो, मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है। एंड ये मेरी मम्मी है, पीछे मेरे पापा बैठे हैं, और ये मेरी नीज है, और ऋत्विक के साथ बैठी है ऋत्विक की फ्रेंड। तो सब लोग केक खा रहे हैं, उसके बाद स्नैक्स वगैरह सर्व किया था, सब ने वो खाया। एंड उसके बाद थोड़ा डांस वांस किया सब लोगों ने मिलकर, और ऋत्विक को बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था कि गिफ्ट खोलने के लिए इंतज़ार नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अनाया दीदी कर देंगी जल्दी जल्दी हेल्प तो।
सो सबने खूब डांस किया, मस्ती की, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। एंड उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया, एंड डिनर के बाद हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की मेमोरीज़ के लिए, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक की। एंड मैं यहीं पे इस व्लॉग को एंड करूँगी। सो प्लीज़ गिव हिम योर ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।